टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बार्टेंडर. फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे एंटिक्विटी ब्लू का रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग. काफ़ी दिन से मेरे पास ये रिक्वेस्ट आ रहा था, तो हाजिर हूँ आज इसको अनबॉक्सिंग करने के लिए. आज इस वीडियो में हम लोग काफ़ी कुछ जानेंगे एंटिक्विटी ब्लू के बारे में. हम लोग जानेंगे कि एंटिक्विटी ब्लू का नाम एंटिक्विटी ब्लू क्यों रखा गया है, साथ में ये जो लोगो है वो क्यों रखा गया या क्यों चुना गया है. उसके साथ हम लोग जानेंगे कि इसका जो बॉटल है, जो एक आइकॉनिक बॉटल है जो हर घर में आपको वाश की तौर पे दिख जाएगा या आप बिना मतलब आपको शोकेस में मिल जाएगा, उसके बारे में जानेंगे कि कौन डिज़ाइन किया है इस बेहतरीन बॉटल को. साथ साथ जानेंगे इसका ब्लेंड क्या है, यानी इसमें कौन सा स्कॉच विस्की का, कौन सा इंडियन ग्रेन विस्की का ब्लेंड है इसमें. और पास पास ये भी जानेंगे क्या इसमें रम मिला हुआ है, जो शायद आपका पहला क्वेश्चन हो सकता है, उसको भी जानेंगे, बिल्कुल जानेंगे. और जानेंगे कि इसका टेस्ट कैसा है, एरोमा कैसा है और आफ्टर टेस्ट कैसा है. तो काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाला है. सो चलिए आगे बढ़ते हैं, मगर उससे पहले आपको एक जानकारी देना बहुत ज़रूरी है. मॉकटेल्स इंडिया अपना वेबसाइट लॉन्च कर चुका है, www.cocktailsindia.com. जाइए, वहाँ पर हम लोग ढेरों सर्विस प्रोवाइड करते हैं. अगर उनमें से आपको कोई भी सर्विस पसंद है तो प्लीज़ बुला लीजिए, बिल्कुल आ जाएंगे आपके शहर. चलिए अभी करते हैं जो काम करने के लिए आए हैं, एंटिक्विटी ब्लू का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू. 1992 में शॉ वॉलेस कंपनी द्वारा एंटिक्विटी ब्लू को पहले लॉन्च किया गया था इंडियन मार्केट में, और उसके बाद यूएसएल ने, यानी यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड ने ये कंपनी को खरीद लिया था. बाद में जाके दिया जो भी यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड को खरीद लिया है, यानी अभी अगर देखा जाए तो एंटिक्विटी ब्लू डियाजियो कंपनी के अंडर में बनता है. एंड डियाजियो वन ऑफ द लार्जेस्ट अल्कोहल मैन्युफैक्चर कंपनी, जिसका बहुत ही बड़ा एक रेपुटेशन है मार्केट में, और उसी के अंडर में बनता है ये एंटिक्विटी ब्लू. तो डेफिनेटली इस विस्की में कुछ तो खासियत होगा. और सिर्फ यही नहीं, अगर सेल का बात करें तो IMFL विस्की सुपर प्रीमियम कैटेगरीज में एंटिक्विटी ब्लू वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग इन इंडिया. जी हाँ, बिल्कुल सुपर प्रीमियम हम लोग सोचते हैं, क्यों? इसका बहुत सारा खासियत है, वन बाई वन आते हैं ना. तो पहले जानते हैं एंटिक्विटी ब्लू की नाम के पीछे क्या रहस्य है, क्यों एंटिक्विटी ब्लू नाम रखा गया है. एंटिक्विटी ब्लू विस्की का जो कलर है वो एंटिक गोल्ड कलर है, और उस कलर से इंस्पायर होके विस्की का नाम एंटिक्विटी ब्लू रखा गया था. अब जानते हैं एंटिक्विटी ब्लू में जो लोगो है, ये जो दो पंछी है, बगला जिसको हम लोग बोलते हैं, ये क्यों है. ये डबल हेडेड हिरन सेलिब्रेट करता है कंपनी का जो डेडिकेशन है टुवर्ड्स ऑथेंटिक ट्रेडिशन ऑफ विस्की मेकिंग, जो फिक्स करता है पास्ट और फ्यूचर को, और प्रॉमिस करता है टाइमलेस विस्की एक्सपीरियंस ऑल द टाइम फॉर टुडेज वर्ल्ड, और इसी के लिए ये लोगों को जनरेट किया गया है. मास्टर ब्लेंडर क्रेग वॉलेस ने इस बेहतरीन विस्की को बनाया है, आपके लिए ब्लेंड किया है. तो मास्टर ब्लेंडर के दिमाग में क्या चल रहा था इंडियन पैलेट को लेकर, थोड़ा सा और समझते हैं, यानी ब्लेंड समझते हैं क्या है ब्लेंड इसमें. मिस्टर रॉबर्ट स्टेन इन्वेंटेड द आर्ट ऑफ ग्रेन विस्की इन 1826, एंड वो डिस्टिलरी था कैमरन ब्रिज डिस्टिलरी, जो स्थित था स्कॉटलैंड में, जहां पर कॉपर पॉट स्टील को यूज करके ग्रेन स्पीड को बनाया गया था और अमेरिकन ओक बैरल में मैच्योर किया गया था. और एंटिक्विटी ब्लू विस्की का जो हार्ट है वह है कैमरन ब्रिज डिस्टिलरीज का विस्की, जो एक फाइनेस्ट ग्रेन विस्की है, साथ साथ इंडियन बेस्ड माल्ट विस्की को और न्यूट्रल ग्रेन स्पिरिट को भी ब्लेंड किया गया है दोस्तों. और ये न्यूट्रल ग्रेन स्पिरिट क्या है, शायद आप लोग सब जानते हैं. जी हाँ, ये रम है, यानी एंटिक्विटी ब्लू में भी रम मिला हुआ है. जी हाँ दोस्तों, और परसेंटेज जो है वो मैं आपको शायद बता नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, मगर फिर भी इसमें न्यूट्रल स्पिरिट जब जिक्र किया गया है, यानी इसमें रम है. और इस ब्लेंड को तैयार किया है मास्टर ब्लेंडर क्रेग वॉलेस ने, जो रॉबर्ट स्टेन को ऑलवेज फॉलो करते हुए आए हैं. और इंडियन पैलेट को ध्यान में रखते हुए क्रेग वॉलेस ने एंटिक्विटी ब्लू को बनाया है, जैसे कि इसका मेलो टेस्ट, स्मूथनेस, वेलवेटी फील, रिच एंड वेरी कॉम्प्लेक्स टेक्सचर्स, इस सब को
कंबाइन करके एक अद्भुत अनोखा ब्लेंड आपके सामने हाजिर किया है, जिसके कारण आज एंटीक्यूटी ब्लू इतना पॉपुलर है। और बॉटल डिजाइन का बात करें तो 1992 में एंटीक्यूटी ब्लू को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया था। तब एंटीक्यूटी का जो बॉटल था एक रेगुलर शेप बॉटल हुआ करता था, मगर 2008 में लंदन बेस्ड डिजाइन फॉर क्लासेंस इंटरनेशनल को रीपैकेजिंग के लिए सौंपा गया था। और बाकी तो इतिहास है, आप लोग सब जानते हैं कि कितना अनोखा और कितना यूनिक एक बॉटल इंडिया में लॉन्च किया गया है एंटीक्यूटी ब्लू के रूप में। था ना बहुत इंटरेस्टिंग? तो चलिए अभी बॉटल को खोलते हैं और अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं आपको। फैंटास्टिक एक मोनोकार्टन बॉक्स में आपको एंटीक्यूटी ब्लू को डिलीवर किया जाता है और ये डिज़ाइन ही आपको बताता है कि ये कितना प्रीमियम एक विस्की है। यहाँ पर एक बड़ा सा लोगो है एंटीक्यूटी ब्लू का, जहाँ पर लिखा है अल्ट्रा प्रीमियम विस्की। जी हाँ, और ये है लोगो जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था अभी देर। 1886 इंडिकेट करता है शॉवल्स का एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में, तो ये 1886 जो यहाँ पर रखा गया है। और इधर करें तो यहाँ पर छोटा सा हिस्ट्री लिखा गया कि क्यों एंटीक्यूटी ब्लू को लाया गया है और उसका पर्पस क्या है वहां पर लिखा गया है। और यहां पर दो मेडल को इंडिकेट किया गया है जो एंटीक्विटी ने हासिल किया, जो मैंने आपको पहले बताया था। यहां पर प्राइस मेंशन किया गया है 1050 यानी 1050। ये शायद डिफरेंट हो सकता है आपका स्टेट में। और इधर देखें तो फिर लोगो ही है, बस और कुछ नहीं है। तो अभी करते हैं इसको अनबॉक्स। ऊपर का जो लीड है मैं खोलता हूँ, ये प्लास्टिक का है, बहुत ही सुंदर एक अच्छा मटेरियल के साथ। अब ये रहा एंटीक्विटी ब्लू। जी हाँ, एक बहुत बेहतरीन डिज़ाइन के साथ आपको एंटीक्विटी ब्लू डिलीवर किया जाता है। बॉटल का डिज़ाइन के बारे में आपको बता ही चुका हूँ डिटेल, और एक बेहतरीन डिज़ाइन के साथ ये एंटीक्विटी ब्लू का बॉटल आपके साथ है। ये जो है ये टोटली ब्लू कलर का एक बॉटल है और नेक जो है बहुत ही लंबा है। और ये जो शेप है, ये आप अगर लोगो हटा दोगे तो शायद सब पहचान जाएगा कि ये है एंटीक्विटी ब्लू। और इसका पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर अगेन प्राइस मेंशन किया गया है और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए पहले बॉटल को खोलते हैं और डालते हैं। सो एंटीक्विटी ब्लू का अगर कलर का बात करें तो ये एंटिक गोल्ड कलर है। एंटिक गोल्ड कलर के कारण ही इस विस्की का नाम एंटीक्विटी ब्लू रखा गया है। तो कलर एक बहुत वाइटल पार्ट प्ले करता है। उसके साथ साथ मैं बोलना चाहूँगा कि इसमें आर्टिफिशियल कलर है जो है 150A। और साथ साथ और भी एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये कुछ फ्लेवरिंग एजेंट को भी डाला गया है इसको, इसका फ्लेवर को जो है उसको एनहेंस करने के लिए। सो इट्स ब्लेंड विथ आर्टिफिशियल कलर एंड आर्टिफिशियल फ्लेवर। अब करते हैं नोज, देखते हैं इसमें क्या फ्लेवर मिलता है। मैं बोलूँगा कि इसमें थोड़ा सा पीट फ्लेवर है, साथ में मॉल्ट फ्लेवर है जो बहुत ही इंटरेस्टिंगली मुझे मिल रहा है, और साथ साथ एक वुडी फ्लेवर भी है इसमें। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स माने या ना माने, ये विस्की यानी एंटीक्विटी ब्लू कुछ हद तक आपको स्कॉच विस्की का एहसास दिलाता है। जब भी आप सीप करेंगे या आप नोज करते हैं तो आपको ना कहीं ये एक हिंट देता है। इसमें काफ़ी सारा स्कॉच विस्की का जो फ्लेवर है वो आपको इस विस्की में मिलता है। मैं और एक चीज़ आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आप इस किस्म का यानी IMFL इंडिया मेड फॉरेन लिकर विस्की को टेस्ट करना चाहते हैं तो हमेशा थोड़ा सा पानी इसमें दे दीजिए, तब जाके नोज कीजिए या स्मेल कीजिए, और भी अच्छा होगा, क्योंकि इसका जो अल्कोहल स्ट्रेंथ है वो थोड़ा सा घट जाएगा, क्योंकि इट्स वेरी ओवरपावर्ड। ऑनेस्टली थोड़ा सा ओवरपावर्ड लग रहा है जैसे आप नोज के सामने लाते हैं तब। अब थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं। सुपर स्मूथ, जी हाँ, एज़ कम्पेयर टू एनी IMFL इन इंडिया उससे तो काफ़ी बेहतर है एंटीक्विटी ब्लू इस स्मूथनेस के मामले में, क्योंकि बहुत ही स्मूथ चला गया। जो भी हो, टेस्ट का अगर बात करें तो मुझे अगेन वो मॉल्ट फ्लेवर के साथ कुछ फ्रूटी नेचर लग रहा है, जैसे कि स्वीट मॉल्ट का फ्लेवर लग रहा है मुझे। अगर आप इसको प्रॉपरली
ट्विस्ट करेंगे आपका माउथ में तो ये बहुत ही अच्छा कोट जनरेट करता है जो स्पेशली स्कॉचेस में दिखता है, कोई IFL में दिखता नहीं है। मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि हाँ ये विस्की है इंडिया में जो हालांकि IFL है और भी ब्लेंडेड, फिर भी आप टेस्ट कर सकते हो नीट, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा लग रहा है एज अ नीट। मैं ओबियसली ये मेरा रिकमेंडेशन है और आफ्टर टेस्ट डेफिनेटली ये सुपर स्मूथ है जैसे कि मैं बता रहा था, और ये उतना लॉन्ग फिनिश नहीं है, ये बहुत ही क्विक फिनिश हो रहा है। साथ में आपको हल्का पीट फ्लेवर के साथ और वूड फ्लेवर के साथ ख़त्म कर रहा है। और अगर ओवरऑल इम्प्रेशन का बात करें तो ये व्हिस्की आपको इस रेंज में बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट डिलीवर करता है, साथ साथ इसका प्रीमियमनेस आपको दूसरे लेवल पे ले जा सकता है। और मैं बोलूँगा कि हाँ कंपनी बहुत अच्छा काम किया है इसका जो ओरिजिनल फ्लेवर है, जो स्कॉच का फ्लेवर है उसको लाने के लिए। हालांकि इतने सस्ते प्राइस में आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करना गलत है, फिर भी मैं बोलूँगा कि एंटीक्विटी ब्लू अच्छा काम किया है, आप जा सकते हैं, एक प्रीमियम रेंज व्हिस्की आप खरीद सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू वेरी सून विद अ न्यू कॉकटेल, न्यू मॉकटेल, न्यू इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, मगर उससे पहले प्लीज़ ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक्स एंड ड्राइव।